नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, जल्द ही उसका ऐलान हो सकता है, एक से दो महीने के भीतर हो जाए। लेकिन इससे पहले कह सकते हैं कि कांग्रेस को हरियाणा में एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व CM भी रह चुके हैं, कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, इस्तीफा पार्टी से दे सकते हैं और एक नई पार्टी का ऐलान यहां पर उनके जरिए किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नए दल की घोषणा कर सकते हैं और इसी को लेकर रोहतक में 18 अगस्त को एक रैली बुलाई गई है, एक बैठक बुलाई गई है, चुनावी रैली यहां पर की जाएगी। कहा जा रहा है कि एक आगाज चुनावों का यहां पर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले, इस रैली से पहले जिस तरह के कयास लग रहे हैं कि एक नए दल का ऐलान कर सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए हरियाणा में मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। तो बड़ी खबर ये बता रहे हैं, रैली में एक नई पार्टी का ऐलान यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए किया जा सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर खट्टर सरकार एक धोखा सरकार है, इसका जिक्र किया जाएगा और एक नारा भी यहां पर दिया जाएगा, एक यहां पर कहा जाएगा, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा कि आखिरकार जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वो किस तरह से तैयार रहे। लेकिन इन सब के इतर अगर बड़ी खबर हम यहां पर देखें तो वो कांग्रेस के लिए है, जहां पर एक झटका कांग्रेस को हरियाणा चुनाव से पहले यहां पर लगने वाला है। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।